का बहुत बहुत स्वागत है। और एक बार फिर से हमारे साथ है जीतू भाई। वैसे बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो देख देख कर वहाँ पर इनको कॉल भी करते हैं और ज़्यादा इंक्वायरी आती है, क्योंकि यहाँ पर लोकल एरिया से तो बहुत कम है, बाकी ऑल ओवर इंडिया से ज़्यादा आती है इंक्वायरी। और आज की वीडियो में वापस हम लेकर आ चुके हैं एक छोटा सा चेस्ट फ्रीज, यानी कि डीप फ्रीज। अगर आपके कोई डेयरी वगैरह या फिर आप आइसक्रीम की शॉप वगैरह चलाते हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल ही बेस्ट हो सकता है। वैसे जीतू भाई कैसे हो सबसे पहले, और सबसे पहली चीज़ कि ये कितने लीटर का फ्रिज है? ये 320 लीटर का फ्रिज है। ये मतलब एक मिनट, हाँ 320 लीटर का फ्रिज है। हाँ 320 लीटर का। और इसकी सबसे पहले जो अभी जो लुक इसका चेंज हो चुका है, इसका लुक है ना, हैंडल पूरा अलग कर दिया है। और अटैच में पहले क्या अलग आता था हैंडल, वो अभी है हैंडल कंपनी ने पूरा लगा के दे रहा है। और लॉक इसके ऊपर दे दिया, पहले आगे लॉक रहता था, अभी इसके ऊपर लॉक ले और लॉक अच्छा दे दिया उन्होंने। और इसमें दोनों हैंडल अन फिटिंग है, दोनों आपको अलग से कर जॉइन करने की ज़रूरत नहीं है। और लॉक भी इसका मजबूत दे दिया, स्टील का दे दिया, पहले पीवीसी का आता था। और अंदर वाला लुक उन्होंने अच्छा दे दिया पूरा, पहले ये प्लेन सिस्टम था तो क्या ख़राब होने की शिकायत ज़्यादा रहती थी। अभी ये डॉट वाला लाइन है इसलिए अच्छा है, इसके मटेरियल बहुत अच्छा निकाला इसने। और इसकी गैसकिट भी है, वो हैवी निकाली है उसने, तो गैसकिट पहले शिकायत आती थी, अभी शिकायत नहीं आ रही, एक 0% शिकायत है इसकी गैसकिट की। कूलिंग बार नहीं, एकदम सॉफ्ट है, कूलिंग बार नहीं जाती है, एकदम सॉफ्ट रहती है, इसमें कूलिंग पूरी रहती है अंदर। और अंदर से ही चारों तरफ से कूलिंग करता है, अंदर चारों तरफ पे कूलिंग रहता है। जैसे आपका मान लो आइसक्रीम है या आपके पेप्सी है, ठंडा है, जो भी आपको अंदर डालना है इसको, ये दोनों काम करता है। कन्वर्टेबल फ्रिज है, इसमें आपको रेफ्रिजरेटर भी है और फ्रीजर भी है, जो आपको जरूरत चाहे तो फ्रीज यूज कर सकते हैं, चाहे तो फ्रीज आपके जरूरत के अनुसार आप कर सकते हो इसको। इसको जैसे रेफ्रिजरेटर करोगे तो रेफ्रिजरेटर का काम करेगा, फ्रिज करोगे फ्रिज का काम करेगा। बाकी ये इसमें दो बकेट दे रखे हैं, बकेट इसमें दो दे दिए अलग अलग, एक उसमें दे, हाँ चॉकलेट वगैरह के लिए, चॉकलेट है, आइसक्रीम है, छोटे छोटे मतलब फ्रूटी वगैरह इसमें रख सकते हो दोनों। और नीचे साइड में इसमें अगर साफ सफाई करनी है तो इसमें आपको पानी निकालने के लिए दिया नॉब है, ये आउटलेट है, पानी इससे बाहर जाएगा, आउटलेट नॉब है, और यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं ये आउटलेट नॉब है। ये अपने हाथ से आप सफाई कर सकते हो अंदर से पूरी मशीन, पूरा का पूरा कंट्रोल। और इसका ये पावर है, पावर इंडिकेटर है, ये इसका लाइट है, अलार्म सिस्टम है, अलार्म सिस्टम। और यहाँ से ये टेम्परेचर कर सकते हैं मेंटेन, यहाँ पर है, ये यहाँ से स्टार्ट है, जैसे ये सुपर अभी एक नंबर से दो तीन नंबर तक रेफ्रिजरेटर का काम करेगा, ये तीन तक है, चार पाँच छः सात नंबर तक फ्रीजर का काम करेगा, जमेगा बर्फ जमेगा। जैसे मान लो आइसक्रीम वगैरह तो इधर कर दो और ठंडा रखना तो इसमें कर दो। अगर दूध डेयरी में उपयोग करना है तो सिर्फ ये रखो आप रेफ्रिजरेटर पे, अगर आप पार्लर यूज है तो इसमें रख लो आइसक्रीम पे, तो ये मान लो बर्फ का काम करेगा पूरा। जी तो भाई अभी जो इसके साइड में जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर इसे साइड में दे दिया है, पहले इसमें जाली रहती थी प्लास्टिक वाली तो कई बार टूट जाती थी, मान लो कोई सामान रखने करने, अभी इसने स्टील के सदर दे दिए तो ये टूटने की शिकायत है नहीं, ये बहुत अच्छा है। और यहाँ ये पावर सप्लाई कोड भी यहाँ है, आप ये साइड से लगा सकते हो, पहले पावर कोड मान लो बाजू में रहता था पीछे की साइड में तो आप दीवार में अड़चन रहता, अभी वो टेंशन खत्म हो गई पावर कोड पीछे की साइड में फैन दे रखा है। और इसका ये फैन है, ये पीसी की साइड में आपको दीवार से कम से कम 1 फीट दूर रखना पड़ेगा, तो ये बैक साइड में आपको मान लो टच नहीं होगा, इसके नॉब दिया है। और गाइज अगर इस डीप फ्रिज यानी कि चेस्ट फ्रिज की बात करें तो लगभग 140 से लेकर 240 तक ये जो स्टेबल रहेगा, अगर इलेक्ट्रिसिटी आती है इसके बीच में तो आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं, बिल्कुल ईजी से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। बाकी बिल्कुल नया प्रोडक्ट है और सारी आपको डिटेल बता दी है। लॉकिंग वाला सिस्टम भी बहुत ही यहाँ पर मजबूत है, यहाँ पर स्टील वाले लॉक दे रखे हैं और यहाँ पर भी स्टील वाला लॉक है, आप चाहें तो बाद में इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर इसके अंदर की साइड में पूरा यूज़र मैनुअल है, दो चाबी है और ये बर्फ़ वगैरह निकालने के लिए, ये बर्फ़ निकालने के लिए अंदर चम्मच दिया हुआ है। और बाकी इसके जो वारंटी है कॉम्प्रहेंसिव, 1 साल की वारंटी और 5 साल की इसके कंप्रेसर के ऊपर वारंटी मिल जाती है। ये ऑल ओवर इसका रिव्यू था। बाकी जीतू भाई इसकी जो प्राइसिंग है वो क्या है लगभग? इसकी है 22,500 से लगा के 25,500। 22,500 से लेकर 25,500 के बीच में इसकी प्राइस आपको मिलेगी, मार्केट में कहीं भी आप ट्राई करते हैं तो इस प्राइस के बीच में आपको ये मिल जाएगा। तो ये छोटा सा रिव्यू था इस डीप फ्रिज को लेकर, चेस्ट फ्रिज को लेकर। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।